वेलकम बैक टू साइबरेनियम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपनी स्टोरी कि मैंने अपना पहला साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू कैसे क्रैक किया। मुझे याद है जब मुझे पहला इंटरव्यू कॉल आया तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड थोड़ा नर्वस भी था, बिकॉज दिस वॉज़ द अपॉर्चुनिटी जो लोग हमेशा वेट करते हैं कि फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी कब मिले, उस चीज़ के लिए भी। और नर्वस इसलिए क्योंकि आई वॉज़ थिंकिंग टू गिव माई बेस्ट एंड अ गुड इम्प्रेशन। तो एक जो बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन बनाना था, उस चीज़ के लिए थोड़ा मैं नर्वस भी था। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन क्या रहता है, प्रिपरेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, क्या प्रिपेयर कर रहे हो, आपका क्या विज़न है, आप कैसे किस थॉट प्रोसेस के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने अपनी टेक्निकल स्किल्स को बहुत ज़्यादा ब्रशअप करना शुरू किया, भले से वो नेटवर्क सिक्योरिटी हो, फायरवॉल्स हो, इवन आप कह सकते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इवन द सिस्टम सिक्योरिटी है मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हो सकते थे कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को मैंने दोबारा रिवाइज़ किया और मैंने कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज की भी हेल्प ली, जैसे यूट्यूब हो गया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए, यूडमी के हो गए, यूडमी पे ढेर सारे कोर्सेज भी मिल जाते हैं आपको। मैंने पहले से जो मैंने सर्टिफिकेशन कर रखे थे, जैसे CH कर रखे थे और बग हंटिंग कर रखी, तो उन सभी नॉलेजेस का एक कॉम्बिनेशन मैं कह सकता हूँ कि उन सभी चीज़ों को मैंने थोड़ा बहुत ब्रशअप दोबारा स्टार्ट करना शुरू कर दिया। एक और चीज़ थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही, वो थी मॉक टेस्ट। अगर आपके पास लोग नहीं है, वैसे तो मेरे पास बहुत ऐसे फ्रेंड्स थे जिनके सामने मैंने खुद इंटरव्यू दिया, एज अ मॉक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी मुझसे पूछे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका जवाब भी शायद मैं उस टाइम नहीं दे पाया। तो एक पॉजिटिव फीडबैक उन्होंने लोगों ने मेरे साथ शेयर किया कि यार तेरे में ये कमी है, ये चीज़ है, इन सबको ठीक करना है। सो आई वॉज लकी कि देर वॉज लॉट ऑफ फ्रेंड्स विद मी, तो उन्होंने बहुत हेल्प की। अगर आपके साथ ऐसे फ्रेंड्स हैं तो ट्राई करिए कि एक मॉक टेस्ट आप दे पाएँ। अगर ऐसे नहीं है तो ट्राई ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन ऐसे रिसोर्सेज आ गए हैं कि जहाँ पे आप दे सकते हैं, ऑनलाइन भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो मॉक इंटरव्यू करने के बाद फाइनली वो डे आया जिस दिन मेरा इंटरव्यू था। वेल ड्रेस्ड, जब पूरा का पूरा फॉर्मल पहन के डायरेक्टली कंपनी में गया और इट वॉज द टेक्निकल राउंड विद द ऑल मैनेजर्स एज वेल। तो यहाँ पे पूरे का पूरे टेक्निकल इंटरव्यू था पूरा का पूरा, और फ्रॉम द बेसिक आई कैन से कि नेटवर्क सिक्योरिटी से लेके सिस्टम सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, हर एक टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे। एंड एज आई सेड कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, सो आई वाज एबल टू गिव ऑल द आंसर्स। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे कौन कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। फॉर एग्जांपल कि आपका जो HTTP है, प्रोटोकॉल है, कौन से लेयर पे वर्क करता है, FTP है, कौन से लेयर पे वर्क करता है, ये कुछ OSI मॉडल लेयर्स के क्वेश्चंस थे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे कि कोई फिशिंग ईमेल आया तो आप क्या करोगे, कैसे हैंडल करोगे। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वाज अ कॉम्बिनेशन विच आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी ऑन दैट पर्टिकुलर डे आई कैन से। तो एक अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए ये कर देता हूँ कि देर आर 3 कोर्सेज विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आई कैन से 1 कोर्स इज फ्री फ्रॉम साइबरेनियम एंड 2 आर कोर्सेज आर पेड। तो जो 2 कोर्सेज हैं, एक है SOC एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक है एडवांस फिशिंग ईमेल इन्वेस्टिगेशन का। तो आप उसे ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं यूडमी पे, और द गुड थिंग कि आप 30 डेज में आप उसे वापस कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो 30 डेज में आपके पैसे भी वापस हो जाते हैं। तो बेसिकली आप गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या कंटेंट है, क्या नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में तीनों की लिंक दे दी है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये क्योंकि मैं हर महीने कम से कम एक इंटरव्यू देता हूँ, तो बेसिकली ये सभी के सभी कॉम्बिनेशन है
उस पूरे 100 एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस में जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस तरह मैंने अपना पहला साइबर सिक्योरिटी का इंटरव्यू क्रैक किया। ये जर्नी सिर्फ हार्ड वर्क और डेडिकेशन से पॉसिबल हुई। अगर आप भी अपना पहला इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से वो जो तीन मैंने आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है 100 एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। और दूसरा फिशिंग ईमेल इन्वेस्टिगेशन, और जो पहला वाला है वो कोर्स टोटली फ्री है। आप बेसिक कोर्स है, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे क्या क्या काम रहता है, तो वो चीज़ आपके लिए ऑलरेडी फ्री में है। अगर दोस्तों आपके कोई क्वेश्चंस हैं या अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और साइब्रेनियम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी इन साइबर सिक्योरिटी।